राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। हलका आतमनगर तो विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का वड्डा ऐलान किया, जेकर किसान लड़नगे चोणा तो वह अपनी सीट छड्डन नू है तैयार। लुधियाणा के हलका आतमनगर तो विधायक लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने वड्डा ऐलान किया है। उन्हें कहा कि अगर संयुक्त मोर्चे के बैनर हेठ किसान चोणा लड़नगे तो वह उन्हों का साथ देंगे। नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि वह आतमनगर हल्के की सीट छड्डन नू तैयार ने। इस दौरान उन्हें होर की कहा, तुसी भी सुनो। एक पासे अज संयुक्त मोर्चे वालों महापंचायत की जा रही है, दूजे पासे संयुक्त मोर्चे के भी कुछ नुमाइंदे 2022 के चुनाव के चोणां लड़न की तैयारी कर रहे हैं। कोई गल देश के अंदर, देश के अंदर मोदी की सरकार को देश के किसान, खेत मजदूर, न्यायपसंद लोगों ने दस दिता भी लोकतंत्र दे विच मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सुप्रीम ने, लोग सुप्रीम ने, लोगों के लामसाल इतिहासक कट्ठा ने यह गल बीजेपी नू दस दिती है। और मैं पंजाब की गल करा जां सांझे पंजाब की गल करा, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। पिछले 40-45 सालों तो तुसीं चंद परिवारों का राजनीति उत्ते कब्जा, नवी लीडरशिप कित्थों आऊगी? सो जे चलूनी साहब ने स्टेटमेंट दिती है कि राजनीतिक तौर पर विधानसभा 2022 पंजाब दे विच किसान संयुक्त मोर्चे नू इलैक्शन लड़नी चाहिए, इहदे ते विचार संजीदगी दे नाल सारे किसान लीडर नू करना चाहिए। और मैं तो इत्थों तक भी कहूँगा भी जे किसान लीडर इलैक्शन लड़न की गल करन, उह कहण भी असीं आतमनगर हल्के तो फलाने किसान लीडर नू चोण लड़ाउणी है, मैं सब तो पहला विधायक होऊंगा, मैं सब तो पहला MLA होऊंगा जिहड़ा सरेंडर करूंगा भी आओ कंपेन भी थोड़ी मैं करूंगा, तुसीं कैंडीडेट दिओ। सो जिहड़ी चड़ूनी साहब की स्टेटमेंट आ उहनू संजीदगी नाल विचार करन की जरूरत है। मैं अपने तो शुरू कर लिया, फिर बाकी तो मैं पार्टी का प्रेजिडेंट हाँ, मेरे तो मेरे सबॉर्डीनेट साथी मेरे नाल है, जे मैं सरेंडर कर सकता तो बाकी क्यों नहीं। पर अज जरूरत आ इस राजनीतिक बयान की चंगे तरीके दे नाल संयुक्त किसान मोर्चे के सूझवान लीडर ये विचार वटांदरे की जरूरत है। मैं कहना इतने कोई किसान लीडर आतमनगर तो लै आ, मैं तो इतों तक कह दिता भी मैं कहूंगा भी लैके आओ, मैं कंपेन भी करूंगा, तो गुरु कृपा करे लोक इंसाफ पार्टी किसान लीडर जिता के भी आतमनगर चो भेजूगी।